मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार देर रात दो मंजिला इमारत में आग लग गई और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। कुछ जिंदा जल गए हैं, कुछ का दम घुट गया। कितने जिंदा जले और कितनों का दम घुटा अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं लोगों का कहना है कि पार्किंग में भी आग थी, लोगों को भागने की जगह नहीं मिली तो गैलरी से कूदकर जान बचाई। जिन्हें चोटें भी आई हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बचाव दल ने 9 लोगों को इस अग्निकांड से रेस्क्यू भी किया है। वहीं 12 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। 5 घायलों का इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मृतकों में ईश्वर सिंह सिसोदिया 45 वर्ष, नीतू सिसोदिया 45 वर्ष, आशीष 30 वर्ष, गौरव 38 वर्ष, आकांक्षा 25 वर्ष शामिल हैं। वहीं मरने वालों में 40 और 45 साल के 2 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। मृतकों में एक दंपत्ति भी शामिल है। ईश्वर सिंह सिसोदिया और नीतू की दम घुटने से मौत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपयों की सहायता राशि देने की घोषणा की है। जानकारी मिली कि बिल्डिंग के मालिक के मोहल्ले में 4 मकान हैं जो किराए से दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं भी सेफ्टी नहीं है। उसके खुद के मकान पर तो मोबाइल कंपनी का टावर लगा है। अग्निकांड वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने बताया कि हालात बहुत भयानक थे। आग का पता चला तो डायल 100 और फायर ब्रिगेड को 3-4 बार कॉल किया। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड करीब 45 मिनट बाद पहुंची। तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आग पर हम रहवासियों ने जैसे तैसे काबू पाया। आग बुझी तो देखा कि लोगों की जलने से मौत हो गई थी। फायर ब्रिगेड समय पर आती तो शायद इनकी जान बच जाती। कुछ लोग दम घुटने के कारण मर चुके थे। कई लोगों ने बिल्डिंग की गैलरी से कूदकर जान बचाई, जिनमें से 5 बुरी तरह से घायल है। वहीं चश्मदीद एहसान पटेल ने बताया कि रात को बिजली गुल हो गई थी, लेकिन जब बिजली आई तो पार्किंग के मीटर में आग लग गई। रात 3 बजे के करीब हमें शोर सुनाई दिया, बाहर देखा तो बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया कि रात करीब 3 बजे आग की सूचना मिली। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कई लोगों की मौत हो चुकी थी। कलेक्टर मनीष सिंह ने MY हॉस्पिटल में जाकर घायलों को देखा। कलेक्टर ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कलेक्टर बोले कि कॉलोनी का निर्माण अवैध है, वहीं घायलों को भी मुआवजा दिलाया जाएगा। आनंद शानन में ये तरफ वगैरह समझ ही नहीं आ रहा। हाँ। नीति विंडो तोड़ ताड़ के सर, इधर उधर से कर के सर, बिल्डिंगों से कूद पाट के सर, उसके से जान बचाई। ये बाजू में कुछ चोट वगैरह जले भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बाकी वो दम घुटने की वजह से उनका हुआ। और भागने की व्यवस्था, बाहर निकल नहीं पाए, पार्किंग वगैरह भागने की बाहर निकलने की व्यवस्था ही नहीं थी, पार्किंग पूरी पैक थी। हाँ, निर्माण भी अवैध था। बहुत पुरानी कॉलोनी है, स्वर्णमा कॉलोनी काफ़ी पुरानी कॉलोनी है और अवैध कॉलोनी है, जिसमें क्योंकि रहवासी रह रहे हैं, इसलिए वहाँ नगर निगम और सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं और बेसिक कम्युनिटीज भी आती है, पर बिल्डिंग वहाँ सभी बिल्डिंग्स अवैध हैं और ये घर भी अवैध था जो इंसाफ पटेल बता रही है।